लोग अपनी अपनी बुक निकाल करके मुझे दिखाइए। सर मैंने निकाल लिया। दिखाइए। वेरी गुड वेरी गुड। और किसने लिया है बुक अपनी? सर। हाँ अच्छा चलो देखो जिसके पास बुक नहीं होगी ना देखो अपने ध्यान से हेलो। यस यस सर। हम क्या करेंगे ना जो आपकी बुक है वो आपके फोन पे ही दिखने लगेगी अभी। ठीक है तो चलो। यस सर। सोचने की सब लोग क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग करते रहेंगे और हम आपको क्या करेंगे फटाफट बताते जाएंगे कि कौन सा आपका कौन सा है। ठीक है एक मिनट। देखिए सबको आ रहा है वीडियो? यस सर। यस मैम। मैम यस सर। बुक दिखी सबको? सबको बुक दिख रही है ना? यस सर। देखो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे दे रहे हैं चैप्टर नंबर वन और ये क्या है आपका कंप्यूटर वंडर मशीन। क्यों वंडर मशीन कहते हैं इसको? कंप्यूटर क्या होता है जानते हैं आप लोग? यस कौन कौन जानता है कंप्यूटर के बारे में क्या होता है कंप्यूटर? हेलो आपको तो नहीं पता है क्या कंप्यूटर के बारे में? बताइए 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 क्या होता है कंप्यूटर? कैसा होता है कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे ना उसमें क्या होता है? यस सर मेरे घर पे है। आपके घर पे है बहुत अच्छे। आप उसमें क्या करते हो जब आपके घर पे कंप्यूटर है तो क्या करते हैं कंप्यूटर में? कंप्यूटर में गेम खेलता गेम खेलते हैं। अच्छा और क्या क्या रहता है उसमें? एक मॉनिटर होगा आपके पास है ना? एक ऐसा मॉनिटर होगा और क्या होगा और उसके आगे क्या रहते हैं? एक आपका मान लीजिए ये बहुत गंदा मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है ना एक यहाँ पे आपके क्या होते हैं आपका स्क्रीन हो गया ये इसका नाम क्या होता है मॉनिटर होता है और इसका क्या नाम होता है बेटा? कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत अच्छा बच्चा है ये। और एक और यहाँ क्या होता है इसका नाम क्या होता है इसका क्या नाम होता है? देखो हम वीडियो वीडियो लगातार दे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो आप दिख रहे हैं देखो ये क्या है आपका मॉनिटर एक होता है एक सीपीयू होता है एक कीबोर्ड होता है इसमें क्या नाम होता है? कीबोर्ड माउस। माउस मीन्स क्या होता है? माउस मीन्स क्या होता है देख लो किसी को नहीं पता है माउस मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। होता है कि नहीं होता है? चूहा। ठीक है तो यहाँ पे जो माउस है इसका मतलब भी चूहा होता है क्या? देखो इसकी भी तो एक पूंछ निकली हुई ना पूंछ है कि नहीं है? देखो ये वाला जो माउस होता है बेटा ये क्या है ये आपके घर में जो चूहा रहता है वो वाला नहीं है ये आपके कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है ये? कौन सा डिवाइस होता है ये? कंप्यूटर। ये होता है
बेटा ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है? तो हमको और आपको अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो हमको ये मिनिमम आपके चार ये एसेंशियल डिवाइसेस होते हैं जिनकी जरूरत होती है। और एक चीज देखिएगा, और एक चीज देखिए सब लोग, एक और छोटा सा डिवाइस लगता है। यस बेटा बोलो। ईडी यूपीएस। ईडी नहीं, ये यूपीएस लगता है। यूपीएस क्या करता है ना, यूपीएस आपके मॉनिटर को भी पावर देता है। पावर किसको देता है? आपके सीपीयू को भी पावर देता है। पावर इन द सेंस आपका आपका जो कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है ना। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो आपका यूपीएस होता है वो डायरेक्ट आपके क्या होता है, जो पावर बोर्ड होता है जिसमें आपका देखो एक तरह होता है ना, आपके घर में सॉकेट ऐसे स्विच होती है और उसके बगल में क्या होता है, ये सॉकेट होता है, उसे क्या करते हैं आप लोग अपना टीवी कंप्यूटर ये सारी चीजें कनेक्ट करते हैं, ठीक है? उसी तरह से क्या होता है, हम यूपीएस को किससे कनेक्ट करते हैं? यूपीएस को पावर से कनेक्ट करते हैं। किससे? यूपीएस से। यूपीएस से पहले इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में बोर्ड होता है ना, बिजली वाला बोर्ड, वहां से कनेक्ट करते हैं। फिर यूपीएस से मॉनिटर और सीपीयू कनेक्ट करते हैं। और फिर सीपीयू से किसको कनेक्ट करते हैं? माउस को, कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह का तो आपका कंप्यूटर होता है। जैसे आप लोग घर पे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, और क्या करते हैं आप लोग? ड्राइंग करते हैं। ड्रॉइंग करते हैं, बहुत अच्छे। और कुछ करते हैं क्या? पढ़ते भी हैं। अब तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट भी चलता है, और अगर आप लोग चाहें अपनी क्लास भी होती है ऑनलाइन, वो भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं आपकी बुक पे और कॉलेजेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? क्या करेंगे तो पढ़ेंगे ना? यस सर। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही है? कौन पढ़ेगा सबसे पहले? ठीक है, देखिए आपको ये माउस का पॉइंटर दिख रहा है क्या? बेटा माउस का पॉइंटर दिख रहा है? यस सर। अच्छा देखो, हम यहाँ पे अभी एक रेड रेड लाइट आएगी, देखिए यस सर। ये आपके टैक्टर का नाम है। अब देखो ये यहाँ पे छोटे कंप्यूटर का टैक्टर हमने बात करते रहेगा आपके पूरे चैप्टर में, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, चिल्ड्रन Do you know this machine? पूछ रहे मशीन क्या होती है, जानते हैं आप लोग? Do you know what the machine? देखो क्या कह रहे हैं, Do you know what machines are? यानी मशीन क्या होती है, आपको पता है क्या? कौन बताएगा मशीन क्या होती है? आप लोगों ने मशीन देखा है, नित्या, शिवांश? Yes sir. क्या होता है मशीन? मशीन क्या करती है? किसी को नहीं पता है? तो मशीन देखिए क्या करती है, मशीन हमारे काम को इजी कर देती है। अगर हमको कोई काम करना होता है और हम अगर मशीन की हेल्प से उस काम को करते हैं तो क्या होता है, वो काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। आपके घर में देखिए फैन चल रहा होगा, जो मिलता हो ना उसको। अच्छा मेरी बात सुनिए सब लोग, आप सबके घर में क्या होगा, फैन होगा ना? यस सर। फैन क्या करता है? फैन क्या करता है? फैन तो हवा देते हैं। फैन क्या करता है? हवा देता है सबको ना? हवा देता है। और आप लोगों ने देखा होगा कभी, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, सकता ना भी देखा हो, अगर कभी लाइट के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, लाइट के लिए जाती है क्या करते हैं,
अगर लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हैं? कोई पेन या पेपर लेते, सॉरी कोई पेपर या शीट कुछ लेते हैं, उससे ऐसे क्या करते हैं हवा के लिए ना? मशीन क्या करती है आपके काम को इजी कर देती है, जैसे लाइट आती है आपका फैन चलता है आपको बहुत अच्छी अच्छी हवा लगती है खूब तेजी से, है ना? उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बहुत सारी मशीन के बारे में बताया। पहली कौन सी मशीन दिखा रहा है? देखो ये कौन सी मशीन है? मोबाइल फोन से हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, है ना, कॉल रिसीव कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, इसमें हम लोग सॉन्ग भी सुन सकते हैं, इसमें हम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा आप देखिए दूसरी कौन सी मशीन है, ये वाली कौन सी मशीन है? ये कंप्यूटर टेलीविजन। टेलीविजन क्या काम होता है? टेलीविजन टेलीविजन क्या करते हैं? कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं। अच्छा चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, इट इज यूज टू वॉच द प्रोग्राम्स। कह रहे हैं कि जो हमारे टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं उनको देखने के हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, और कौन सी मशीन है? ये वाली कौन सी मशीन है, कोई जानता है इसको? यस सर, एसी। एसी देखो क्या लिखा हुआ, दिस इज एन एयर कंडीशनर, इट इज यूज टू कीप आवर होम कूल। कह रहे हैं कि ये एयर कंडीशनर है और इसका काम क्या होता है, हमारे घर को ठंडा करने का। आपकी एसी क्या करती है, घर को ठंडा करती है कि नहीं करती है? यस सर। और कौन सी मशीन है? देखो नेक्स्ट कह रहे हैं एक और मशीन, यहाँ पे सीडी प्लेयर, इसमें क्या काम होता है, म्यूजिक प्ले करने का, ठीक। और और कौन सी मशीन है भाई, ये वाली कौन सी मशीन है? ये फ्रिज है, और जो आपके फ्रिज होती है इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। और इसका क्या काम होता है, इसमें हम चीजें रख सकते हैं। क्या रखते हैं इसमें? सब्जी रख सकते हैं, खाना सब्जी रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, आपकी जो भी चीजें आप चाहते हैं कि वो अच्छे से रहे, खराब ना हो, वो चीजें हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। और कौन सी मशीन दी हुई देखते हैं, ये वाली कौन सी मशीन है? नेक्स्ट अगले वॉशिंग मशीन क्या करती है? वॉशिंग मशीन क्या करती है? कपड़े धोती है। इसका क्या फायदा होता है, हमको और आपको कपड़े धोने में टाइम लगता है, और हम लोग कभी कभी अगर ज्यादा कपड़े होंगे तो हम लोग थक भी जाएंगे ना, और आप लोग कभी छोटे से बच्चे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी मशीन होती है वो हमारे काम को आसान कर देती है। यही बताए थे ना, यहाँ पे देखो वॉशिंग मशीन होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कपड़े बहुत इजिली धुल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कह रहे हैं, देखो ऑल मशीन हैव समथिंग इन कॉमन। कह रहे हैं कि जो भी मशीन होती हैं उनके साथ कुछ चीजें कॉमन होती हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। अब यहाँ पे ये कौन सी मशीन बनी हुई है दिख रहा है, देखो ये मिक्सर है। क्या कह रहे हैं, कैसे काम करता है मिक्सर? देखो क्या कह रहे हैं, मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कह रहे हैं, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, लिखे हुए मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। कह रहे हैं मशीन अपने से कोई काम नहीं कर सकती, करती है क्या कोई काम? कोई मशीन है जो कि अपने से काम करती है? नहीं करती है। अगर जैसे मान लीजिए आपको गर्मी, अगर आपको गर्मी लगेगी तो फैन अपने आप चालू हो जाएगा क्या? नो सर, नहीं चालू होगा। अगर आपको गेम खेलने का मन होगा तो अपने से गेम चालू हो जाएगा, फैन को चालू करना पड़ता है? नो सर, चालू करना पड़ेगा। हाँ तो चालू, वेरी गुड।
और देखो तो यहाँ पे चले मशीन कैन नॉट वर्क ऑन दियर ओन, कह रहे हैं कि मशीन जो होती है वो अपने आप काम नहीं करती, यानी एकदम सही कह रहे हैं ना, हमको जो काम कराना है वो हमको स्टार्ट करना पड़ता है। और क्या कह रहे हैं, मशीन सेव आवर टाइम, मशीन की हेल्प से टाइम बच जाता है, बचता है क्या कहें, टाइम बचता है, क्योंकि अभी 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 मैंने कहा था कि हम लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी थी, और वॉशिंग मशीन में क्या होता है, अगर हम सबके कपड़े पूरे घर के कपड़े अगर उसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से उसको धुल देगी। मैं क्या नींद आ रही, क्या नींद आ रही है, मित्य को बहुत तेजी तेजी नींद आ रही, देखो कौन सी नींद आए आप लोग में, सब लोग नहा लिए हो, कोई नहीं आया ना, चलो कौन कौन को नींद आया जल्दी बता दो, तो कौन नाम बताइए, देखो दो जो बच्चे नहा लिए वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, देखो किया ने भी नहा लिया है, बहुत अच्छा बच्चा, ठीक है, देखिए तो मशीन वेरी गुड, चलो क्या है फिर, मशीन वर्क ऑन, कह रहे जो भी मशीन होती है वो बहुत तेजी से काम करती है, तेजी से काम करती है, यस मित्र के घर में देखो फैन चल रहा है, मित्र के घर में क्या हो रहा है, फैन तो तेजी से हवा देता है ना, यस सर, और क्या कह रहे हैं, मशीन मेक आर वर्क इजी, कह रहे हैं मशीन की हेल्प से हमको जो भी वर्क करना होता है वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ये भी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही है ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, बेटा इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, क्या कर रहे हैं आप लोग है? कोई कुछ नहीं करेगा, सबको खराब दिखेगा, ठीक है, देखो मशीन मोस्ट ऑफ द मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर मशीनें क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है ना, yes, आपके घर में अगर फ्रिज होगी तो फ्रिज कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपकी टेलीविजन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से, और क्या क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी से पता है आपको, yes, और क्या होता है, क्या बेटा नीचे वाला जो नीचे है, अच्छा आपके घर में और क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपकी जो लाइट होती है रॉड होती है, सीएफएल बल्ब होता है, ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, और ये सब क्या है मशीन है, ठीक है, फैन भी चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, फैन भी आपकी क्या है मशीन ही है, ठीक है। विहान पाल बेटा कुछ भी ड्रॉ नहीं करो स्क्रीन पे, देखो नेक्स्ट आपकी ये कौन सी मशीन है, कौन पहचानेगा इसको जल्दी से बताओ, ये कंप्यूटर, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसका क्या नाम होता है याद रखिएगा, इसका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, क्योंकि आपने तो लैपटॉप भी देखा होगा ना, क्योंकि लैपटॉप तो क्या होता है सब कुछ चेकिंग होता है ना, उसी के अंदर कीबोर्ड भी होता है, उसी के अंदर टच पैड भी होता है, उसी के अंदर स्क्रीन भी होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, तो वो जो होता है वो आपका लैपटॉप या नोटबुक कहते हैं उसको, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, याद रहेगा ना, चलो वेरी गुड। अब देखो अब कंप्यूटर के बारे में कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो तो जल्दी से पढ़ो, कौन पढ़ेगा, देवो प्रियन मैचिन, कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्या कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है आपका वो एक ऐसी मशीन है, एक ये भी एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, देखो कुछ इसके मेन फीचर्स बता रहे हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि इसके क्या क्या इसको फायदे मिलते हैं, क्या है पहले नंबर पर देखो पढ़ो,
क्या कर रहे बेटा? नित्या चलिए देखिए, तो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, बहुत ढेर सारे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Yes, हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इससे हम लोग सॉन्ग्स भी सुनते हैं, इससे हम लोग गेम भी खेलते हैं, इससे हम लोग मूवीज भी देखते हैं, इससे हम लोग नोट्स भी बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो ये तो बहुत ढेर सारे काम कर रहा है ना कंप्यूटर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर डू मैनी थिंग्स, क्योंकि जो आपके टेलीविजन होते हैं उसमें क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा मूवीज और प्रोग्राम देखते हैं और गाने सुनते हैं। और कुछ करते हैं क्या टीवी में? हाँ अच्छा देखो और क्या लिखा हुआ है, इट वर्क वेरी विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर तेजी से काम करता है और इससे कोई गलती नहीं होती है। कंप्यूटर से गलती होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या गलती करते हैं कंप्यूटर, बोलिए? कंप्यूटर तो कोई गलती नहीं करता, कोई नहीं करता ना? ठीक yes, है yes, और क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ पढ़ो, ये वाला तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? इट वाज ए वेरी लार्ज मेमोरी। देखो लार्ज मेमोरी मीन्स क्या होता है कि जो इसका स्टोरेज होता है, जैसे क्या होता है आपके जो गेम आपको पसंद होंगे वो आप अपने कंप्यूटर में रखे रहते हैं, जो मूवीज आपको कार्टून और मूवीज गाने अच्छे लगते हैं वो सब आप क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? Yes, फिर जब आपको वो वाला गाना सुनना होता है या वो वाला गेम खेलना होता है फिर से कंप्यूटर ओपन करते हैं, वो वाला गाना भी सुन सकते हैं, वो वाली मूवी भी देख सकते हैं, वो वाला कार्टून भी देख लेते हैं। तो क्या होता है जो हमारा कंप्यूटर होता है ना वो बहुत ढेर सारी चीजों को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, उनको सेव कर सकता है, सेव कर सकता है। जैसे हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो चीजें क्या हो जाती है, हमको याद हो जाती है ना? Yes, तो वो क्या होती है हमारे माइंड में चीजें स्टोर हो जाती है, याद हो जाती है। ठीक है चलो नेक्स्ट और देखते हैं क्या कह रहा है। वी कैन प्ले, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? गेम्स ऑन कंप्यूटर। कह रहे हैं कंप्यूटर में हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं, ये भी सही बात है, सही कह रहे हैं ना? Yes, sir. और क्या लिखा हुआ है? वी कैन राइट ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कह रहे हैं हम लोग कंप्यूटर पे कुछ लिख भी सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। कौन कौन ड्राइंग और पेंटिंग करता है, नाम बताइए? मैं शिवम। शिवम और सर मैं आकाश। आकाश भी करते हैं, शिवम भी पेंटिंग करते हैं, आकाश भी पेंटिंग करते हैं और विहान से यहाँ स्क्रीन पे ही पेंटिंग कर रहे हैं, है ना? हाँ तो वो और कौन करता है पेंटिंग? सर हम। क्या नाम है इसका? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वी कैन डू कैलकुलेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर। कह रहे हैं कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर हमको आप लोग कुछ कैलकुलेशन जानते हैं, कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 + 4 है, आंसर क्या आएगा? ये एडिशन साइन है ना बेटा, ये तो प्लस का साइन है। प्लस के साइन में क्या होता है, ऐड करने पड़ता है, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक और चीज बताइएगा, देखिए हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं फिर आप बताइएगा हमको, ठीक है? अगर आपको दिक्कत हो रही तो, अगर हम कह रहे हैं 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना आएगा?
फोर आएगा। तो ये सब क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन होता है। जैसे वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा बेटा। ये प्लस है ना, देखो प्लस का साइन है ना, वन और वन टू आएगा। नहीं डिवाइड करने इतने सबको, तो देखो अगर हम कहते हैं फोर को डिवाइड करना है टू से, क्या आएगा टू आ जाएगा। ये सब क्या होता है, ये सब कैलकुलेशन होता है। क्या होता है कैलकुलेशन, यानी हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत ढेर सारी तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी जब आप लोग और बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, एक और लाइन लिखा हुआ है, बट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप काम नहीं कर पाता कंप्यूटर, इतना सारा काम करता है मगर खुद से कुछ नहीं कर पाता। क्यों, इट नीड्स आवर इंस्ट्रक्शंस टू डू वर्क, कह रहे हैं हम जो भी काम इसको करने के लिए बोलेंगे वही काम ये कर पाता है, जिसके बाद अपना खुद का माइंड नहीं होता है। होता है क्या, नहीं होता है। हम जो सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं वही सॉन्ग प्ले होता है, हम जो मूवी देखना चाहते हैं वही मूवी चलती है, हम जो सा गेम खेलना चाहते हैं वही वाला गेम ऑन होता है, या वही गेम हम ऑन करते हैं तो चलता है ना। अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर से कह दें हमको वन और वन को ऐड करके आंसर लेना, तो वो क्या मना कर देगा और आपको बोलेगा नहीं हम वन मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास तो खुद का माइंड नहीं होता, हम इससे जो भी काम कराते ये वही काम करता है, ठीक है। अच्छा आपकी बुक में तो सब सही से लिखा हुआ है ना, बोलिए। चलो नेक्स्ट और आगे चलते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन विच नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजर इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, यानी जो चीज हम बोलते हैं वही कंप्यूटर करता है, जो चीज हम लोग बोलेंगे वही करेगा, ठीक। और क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, अरे ये तो एक्सरसाइज हो गई, ये बुक खत्म हो गई आपका, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो देखो नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, हम इसको आपको भेज देंगे। अभी देखो ये देख रहे हो ना आपकी बुक में है, करेक्ट आपको फिल करना है, अपनी बुक में फिल कर लीजिए सब लोग। क्या करें, मशीन मेक आवर वर्क इजी कर देती है, टच कर देती है, कि नो कर देती है, इजी करती है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इजी इजी पे टिक कर दो सब लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी इजी पे टिक करो, मशीन वर्क वेरी फास्ट स्लो और लो, तो फास्ट काम करती है ना मशीने, क्या करेंगे फास्ट वाला कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मशीन सेव आवर डे टाइम या मनी, क्या क्या बचाती है मशीने, यही बचाती है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम वाले पे चेक कर देंगे, देखो टाइम का बॉक्स यहाँ पे है तो टाइम पे चेक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर रन ऑन फ्यूल ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपको क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा तो आज एक काम करिएगा, आज आप लोग अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा कि स्कूल आ जाएंगे और जो चैप्टर आपने भी पढ़ा है ना उसका असाइनमेंट आप ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसमें क्या होंगे, जो अभी ये सब आपका लिखा हुआ है ना, क्या बेटा नहीं आ रही है, अच्छा और किसको आवाज नहीं आ रही, और किसको आ रही आवाज,
जैसे मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। एक मिनट रुको, हम एक चीज करते हैं फिर बताना कि अभी सही हो गया कि नहीं सही हो गया। ठीक अच्छा, आप लोग अभी छोटे हैं मगर क्या आपको स्क्रीन शॉट लेने आता है? आप लोग को स्क्रीन शॉट कीर्ति आवाज आ रही है? मुझे आता है कीर्ति। क्या पूछ रही है? यस सर, आ रहा है आपको? अब आवाज आ रहा है सर? क्या पूछ रहे हैं? शॉट में आवाज नहीं आता है। स्क्रीन शॉट का आवाज नहीं आएगा? अगर आपको स्क्रीन शॉट लेने आते हैं तो क्या करिए, अपने फोन का स्क्रीन शॉट ले लीजिए जो आपको मॉनिटर दिख रहा है, तो उससे क्या होगा ना, जैसे ये जो मैथ हमने यहाँ पे देखो लगा दिया है, जिसको जैसे मैथ करना था वो लगा दिया है, तो आप लोग अपनी बुक में फिर फिल कर लीजिएगा क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा ना, नहीं तो अभी आपकी क्लास का फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर नहीं ले पाते तो अभी हम ये पूरा आपके जो आपका ग्रुप है ना उसमें हम इसको भेज देंगे, परेशान नहीं होइए। ठीक है? जो बच्चे स्क्रीन शॉट ले लिए बहुत अच्छा। देखिए अगर आप लेना चाहें तो फिल इन द ब्लैंक्स का भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से ट्रू और फॉल्स बेटा, देखो ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आप लोग एक काम करेगा, आज आप लोग के होमवर्क यही रहेगा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम अभी पूरा पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजेंगे और आप क्या करेंगे उस पीडीएफ को पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक आपको नहीं समझ में आएगा आप उसको क्या करेंगे फिर से हमसे पूछेंगे। ठीक है, अभी अभी हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अभी हम इसको हटा दे रहे हैं और अब सब लोग क्या करेंगे, तो सब लोग बताएंगे मुझे कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने सबसे सबसे देर में ज्वाइन किए हैं, किसको सबसे ज्यादा समझ में आया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि अपनी क्लास दोबारा क्लास कब खत्म होगी बेटा, क्लास कब चाहते हो खत्म, क्लास ओवर होने वाली है विद इन 2 to 3 minutes आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे मिस कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप सुबह नहीं उठ पाए या आपका इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा था, तो क्या होता है जो भी आपकी क्लासेस होती है वो क्लासेस की होती है रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्डेड क्लास में क्या कर सकते हैं अपना यूट्यूब जो आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है वहां से जा करके आप अपनी क्लासेस को दोबारा देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है अगर हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया, तो आप क्या कर सकते हैं फिर से उस क्लास को जा करके अपने चैनल पे जाएंगे, वहां पे अपनी क्लास वन के ग्रुप में जाएंगे, बोलो। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंप्यूटर अ वंडर मशीन के बारे में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अभी आज मैं आपको ये वाला पूरा पीडीएफ सेंड करूंगा और आप क्या करेंगे उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसको जो जो वो आप लोग क्या करेंगे उसको हमसे नेक्स्ट टाइम पे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है हम उसको चैप्टर का भी पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक रहेगा, आप घर पे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करिए और सब लोग एक दूसरे को बाय करिए। चलिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, ये तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब लोग बाय करिए। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, वेलकम बेटा, वेलकम, बाय बेटा, बाय सर।